जी नहीं, नमस्कार, मैं ललित सरंगी आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत परिचय हो गया है, बहुत जानकारियां दे दी गई है, अब समय को हम क्या करेंगे, हम उस शख्सियत से मिलाना चाहेंगे आपको, जिनकी प्रेरणा से, जिनके कहने से हमने इस कार्यक्रम को आज आयोजित किया है। नमोकार के चमत्कार पढ़ा है बचपन से कि नमोकार के चमत्कार तो देखा भी है, महसूस भी किया, पर कोरोना काल में ऑक्सीजन लेवल को कैसे इंस्टेंट बढ़ाया जाता है, इस पवित्र मंत्रों के द्वारा आज हम उसे देखें। और आज हमारे साथ है, भारत ही नहीं दुनिया में अपने नाम का सिक्का उछालते हुए जिन्होंने एक कम उम्र में एक सफलता हासिल की है, उसका परिचय कराते हैं। भारती जैन। भारती जैन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। भारती जैन उड़ान भारती स्काई फाउंडेशन और नमोकार जैन की फाउंडर हैं। उन्होंने एक कम उम्र में एक सफलता हासिल की है, उसका परिचय कराते हैं। भारती जैन किताबें लिखती हैं, कंसल्टेंट हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं। केवल भारत में ही नहीं सुना जाता है, इन्हें दुनिया में सुना जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर GYN regularly invited by the Chief Minister Rajasthan for her valuable suggestion on pre-budget meeting of women and child development. बहुत बड़ी बात है, बजट के समय इनको आमंत्रित किया जाता है किसी सरकार के द्वारा, ये हमारे जैन समाज के लिए उपलब्ध है। लायंस क्लब, रोटरी क्लब, न जाने कितनी संस्थाओं से इनको आमंत्रित किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, ये जैन है लेकिन जैन के अलावा भी ये सभी धर्मों में ये भाग लेती है और सभी धर्मों में ये बताती है कि नमोकार मंत्र केवल जैनों का ही मंत्र नहीं है, ये वैज्ञानिक मंत्र है और इस मंत्र की महिमा कितनी है। तो मैं स्वागत करूंगा भारती जी, आप आए, आज सेशन आप के सुपुर्द में कर रहा हूँ। आप हमें, हमारे दर्शकों को आप अपना ज्ञान प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, बहुत ही सुंदर रूप से आपने मेरे प्रोफाइल को संजोया है, अपने शब्दों में परोया है। धर्म नहीं, मैं यहाँ कर्म के विश्वास करती हूँ और कर्मों की बात हम कर रहे हैं और मेरा कर्म ही मेरा धर्म है, ऐसा मैं मानती हूँ। तो आज अपने आप से रूबरू होना है, वह जिंदगी यानी क्या है जिंदगी, क्या तूने अपने आप को पहचाना है जिंदगी। आज मानव विकास के जिस मुकाम पर पहुंच चुका है, अब उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कोविड एक बायोवेपन है या नेचर का कहर, कुछ भी हो, हमारे लिए वो एक चुनौती है और आज हम एक युद्ध के मैदान में खड़े हैं सिर्फ अपने कर्मों की वजह से। और इस युद्ध के मैदान में जब हम खड़े हैं तो उसके दो औचित्य हैं, या तो हम में वो शक्ति है लड़ने की इस कम्युनिटी के अंदर, या उस धर्म को मानने वाले के लिए, उन गुणों को मानने के लिए जो ये मानते हैं कि मेरा कर्म मानवता है, मेरा धर्म मानवता है। पर मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या कहीं इस मानव विकास दौड़ में मानव अपने आप को तो नहीं भूल गया। जब एक हिंदू मंदिर जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है तो क्या वो जानता है कि भगवान क्या कह रहे हैं? एक मुस्लिम जब मस्जिद में जाता है तो वो कब्र में क्या कह रहा है या वहां क्या कहने वाला है, क्या वो समझ पा रहे हैं? जब एक सिख गुरुद्वारा जाता है तो क्या पता है गुरु गोविंद सिंह जी उन्हें क्या कह रहे हैं, क्या वो समझ पाता है?
एक ईसाई जब चर्च में जाता है हर संडे, तो क्या वो समझ पाता है कि यीशु मसीह उससे क्या कह रहे हैं? मैं कहती हूँ आप अपने आप से पूछिए कुछ सवालों में कि जब आप मंदिर जाते हैं, प्रतिमा जी को देखते हैं, तो आपको प्रतिमा जी में क्या दिखाई देता है? कुछ सेकंड के लिए सोचिए और मनन कीजिए कि मुझे प्रतिमा में क्या दिखाई देता है? क्या मुझे भगवान की प्रतिमा दिखाई देती है, या मैं अपने आप को उसमें देखती हूँ, या मुझे आसपास के लोग दिखाई देते हैं, या मुझे अपनी मुश्किलें अपनी कठिनाइयां दिखाई देती हैं, या मुझे शिकायतें नजर आती हैं? जी हाँ, उस बंदे को आसमान में क्या मिलेगा जिस बंदे को इंसान में इंसान ना मिला? आप ध्यान से देखिए, अपने आप से पूछिए। इस कोविड के टाइम पर बहुत से परिवारों में मैंने ऐसा देखा कि जब घर का परिवार का कोई बंदा बीमार हो जाता है तो हमें डर लगने लगता है। कभी आपने सोचा, हम बाहर जाते हैं सब्जी लेने के लिए, हम बाहर से ग्रोसरी लेकर जाते हैं, हम उन दुकानदारों से मिलते हैं, तो क्या हमें कोविड का इन्फेक्शन का डर नहीं है? लेकिन घर में अगर कहीं किसी को इन्फेक्शन हो गया तो हम डर जाते हैं कि अरे मुझे भी कहीं कोविड ना हो जाए। अंदर ही अंदर एक डर खाने लगता है, एक टेंशन होने लगती है। प्रोटोकॉल्स यूज करना बहुत जरूरी है, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन अपनी मानवता, जो हमारा कर्म है, जो हमारा धर्म है, उसको ना छोड़ें। क्योंकि डर क्या है? फॉल्स फियर। फियर क्या है? फियर इज फॉल्स एविडेंस अपीयर्स रियल। अगर जिंदगी में इस बात को समझ लें कि अगर मेरी जिंदगी लिखी है तो कोई छीन नहीं सकता, और अगर जाना लिखा है तो कोई रोक नहीं सकता, तो अपने प्रिकॉशंस लेकर युद्ध में, मैदान में हमें जो भी शस्त्र अस्त्र चाहिए, जो भी शील्ड चाहिए, उसे लेकर अगर हम उस युद्ध क्षेत्र में उतरेंगे तो क्या कोई भी शत्रु हमें हरा पाएगा? क्यों कोई शत्रु हमें हरा पा रहा है? कहते हैं ना, बाहर का क्यों जीत जाता है? क्योंकि घर के अंदर के लोगों में लड़ाई है तो बाहर वाला जीत जाता है। तो अगर आपके अंतर में लड़ाई है, अगर आपकी अपने आप से लड़ाई है, अगर आप अपने आप को नहीं जान पाए हैं, तो बाहर का कोई भी आप पर अटैक कर सकता है, वो चाहे कोरोना हो या कोई वायरस हो या कोई बीमारी हो। तो हिम्मत लोग हार जाते हैं। अरे नमोकार मंत्र का जाप करो। कैसे नमोकार जिन का एक शुरुआत हुई, मैं हल्का सा आपको बताना चाहूंगी। बचपन में माता पिता कहते थे नमोकार का जाप करो और सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, डर दूर हो जाएगा। जब भी हम खेल के मैदान में जाते थे तो फट से 9 बार नमोकार मंत्र बोलते और बोलते कि यस, हाँ भगवान मैं कर सकती हूँ, मैं बेस्ट हूँ, और मैं चली जाती थी। किसी स्टेज पर उतरती तो अपने आप से बोलती यस आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, और मैं उतर जाती थी और हो जाता था। अपने माता पिता को देखा तो हमने अपने माता पिता को बचपन से देखा कि रात के 2 बजे भी अगर कोई दवाई लेने आया है तो मेरे पिता किसी भी हालत में वो हमेशा तैयार रहते थे। अभी कोविड के टाइम पर उनका हीमोग्लोबिन 4 हो गया था और वो दूसरों को दवाइयां दे रहे थे, 4 हीमोग्लोबिन में, इमेजिन करिए। और हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ। इस नमोकार मंत्र की महिमा, उनकी मेडिसिन और घर का खाना, इससे वो स्वस्थ हुए। लोग मेरे पास आते थे जब मैं स्कूल में थी, कॉलेज में थी, और जो वो कहते थे, मैं उनको बोलती थी आप मुझे बता जाओ क्या प्रॉब्लम है, और अब आप चले जाओ निश्चिंत होकर, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। कैसे? धीरे धीरे बचपन की ये चीजें, मुझे संकट मोचन का नाम मिला क्योंकि मुझसे जो भी प्रॉब्लम आकर शेयर करता था वो सॉल्व हो जाती थी। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मुझे संकट मोचन का नाम मिला, एक पदवी दी गई कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम लेकर जाएंगे सॉल्व हो जाएगी। तो जब मैंने इसको और एनालाइज किया कि मेरे साथ ऐसा क्या होता है, कैसे ऐसे होता है कि मैं किसी को बोलती हूँ और वो पूरा हो जाता है, क्योंकि हम कहते हैं ना दवा के साथ दुआ काम करती है। जैसे ही कोई मुझे बोलता, वो मेरी अंतरात्मा से आवाज यूनिवर्स में जाती और वो शायद उनके काम बन जाते। और ये रिसर्च जब मेरी चली तो साइंस
जैनिज्म कहता है वो एक साइंस है, पूरी साइंस है, जैसे हम आगे अंकों में, और जो हम बोलते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या मानते हैं, हमारा क्या बिलीफ है, साइकोलॉजी क्या है, हमारी मनःस्थिति क्या है। तो साइंस, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी यानी मानवता, आपके भाव क्या हैं, आप क्या करते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब मेडिटेशन नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है आप अपने आप को अंदर से कितना जान पाए हैं, उतने ही आप स्पिरिचुअल हैं, उतनी ही आपकी कनेक्टिविटी आपसे बनी हुई है। तो जब इन तीनों का मैंने समावेश किया स्पिरिचुअलिटी में, मैंने लिया नमोकार मंत्र का ध्यान, क्योंकि हमें बहुत से विकार होते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें बड़ी मुश्किल होती है किसी को ग्रैटिट्यूड देने में, किसी को थैंक यू बोलने में। अगर किसी ने मेरा साथ दिया है, चाहे छोटा भी साथ दिया, तो मुझे बड़ी मुश्किल होती है कि उसको थैंक यू बोलें, कहीं वो ज्यादा अपने आप को ऊपर न समझने लग जाए, इसलिए हम थैंक यू नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि शायद मेरे अंदर का वो अहम है कि मैं थैंक यू बोल दूंगी या मैं सॉरी बोल दूंगी तो शायद मैं छोटी हो जाऊंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर एक दूसरे की क्रिएटिविटी को हम बाहर लाते हैं तो आप खुद भी बढ़ते हैं और समाज का भी उत्थान होता है, एक दूसरे से एक दूसरे का उत्थान होता है। प्रॉब्लम क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। मैंने नमोकार मंत्र क्यों चुना? नमो, नमो मतलब नमस्कार, नमस्कार जैसे आप बोलते हैं एक शांति का अनुभव होता है, और इसका एक साइंटिफिक रोल भी है। अगर आप विदेशी लोगों को देखें तो वो नमस्कार कुछ इस तरीके से करेंगे, नमस्कार, क्योंकि जब आप झुक के प्रणाम करते हैं यानी आप उन गुणों को पूर्ण रूप से लेने के लिए तैयार हैं। और दूसरा एक साइंटिफिक रोल है कि जब आप झुक के नमस्कार करते हैं तो आपका अपरामद केंद्र दबता है, आपकी ग्रंथियां दबती हैं और उससे वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आप में गुणों का संचार करते हैं। और तीसरी बात, जब भी आप नमस्कार करते हैं तो सामने वाले के गुणों का संचार आपकी तरफ होने लगता है, उसके गुण आप ग्रहण कर सकते हैं अगर आप में वो शक्ति है। इसका मतलब पहले हमें ये जानना है कि क्या मैं दूसरों के गुण ग्रहण करने लायक हूं। नमो कर किसी धर्म, जाति या संप्रदाय विशेष से नहीं है, वो एक अनादि मंत्र है जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। उसमें किसी भगवान की, किसी व्यक्ति विशेष की विवेचना नहीं की गई है, उसमें गुणों का अवलोकन किया गया है, उसमें उन सारी शुद्ध आत्माओं को नमस्कार किया गया है जो अपने पाथ से लिबरेट हो गई यानी मोक्ष को प्राप्त हुई, या जिन्होंने अपने कर्मों पर विजय को प्राप्त किया, वो ही अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, यानी हर धर्म के लोग जिन भी अपने इष्ट अपने गुरु को मानते हैं उन्हें नमस्कार करें ताकि उनके गुणों का संचार मेरे अंदर हो सके। पर होता क्या है, असलियत क्या है? हमारे साथ होता है कि हम अपना नहीं देखते, हम देखते हैं सामने वाले में क्या है क्या नहीं है, उसमें क्या कमी है। अपने अध्ययन की जगह हम सामने वाले का अध्ययन करते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, यदि हम प्रतिदिन अपनी साफ सफाई का ध्यान ना रखें तो क्या हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे? नहीं। इसीलिए हम झाड़ू रोज लगाते हैं, घर में धूल मिट्टी नजर आएगी हमें पसंद नहीं, अगर हम नहाएंगे नहीं शरीर में बदबू नजर आएगी, इसीलिए हम अपनी भौतिक सफाई हर रोज करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने अपने मन की सफाई की है? शायद नहीं, क्योंकि हमें अपने मन की गंदगी दिखाई नहीं देती। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। इंसान अपनी गलती मानना नहीं चाहता क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैंने गलती मान ली तो मैं छोटा हो जाऊंगा। अरे छोटा बड़ा तो कुछ है ही नहीं, ये तो शून्य है। कहते हैं ना, मोबाइल बिगड़ गया तो बच्चा जिम्मेदार और बच्चा बिगड़ गया तो मोबाइल जिम्मेदार। यानी कि अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। हम सारा दिन, हमारा जो माइंड है ना वो एक घोड़े की तरह है, इधर से उधर दौड़ता रहता है और दिन में 60,000 नेगेटिव थॉट्स हमारे पास आते हैं। उन नकारात्मक विचारों की वजह से या तो हमारे अंदर डर आ जाता है या छल या कपट या द्वेष, असत्य, अब्रह्मचर्य,
ईश्वर में अश्रद्धा बहुत सारी चीजें हमारे विचारों को संस्कारों को कलुषित करती रहती है, क्योंकि हमारे संस्कार ये नहीं है। हमारा संस्कार है प्यार, सद्भाव, क्षमा, और इन नेगेटिव विचारों की वजह से हम अपने संस्कारों से दूर होते चले जाते हैं। और वो हमारे, ध्यान से सुनेगा, जब बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं और हम उसको नेगेट नहीं कर पाते, तो वो हमारे मन की गहराइयों में, जिसे हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन में जमने लग जाते हैं। और जब वो अवचेतन मन में आ जाते हैं तो हमारे संस्कारों को कलुषित कर देते हैं, और तब हम जिंदगी में गलत डिसीजन लेने लग जाते हैं। यानी सकारात्मक विचारों की आवश्यकता है, उन विचारों की आवश्यकता है कि जीवन निर्माण में सहायक हो, जो मनुष्य निर्माण में सहायक हो, जो हमारे चरित्र के निर्माण में सहायक हो। यानी नेगेटिव थॉट्स के बंडल्स को हटाकर अगर पॉजिटिव थॉट्स रख दिया जाए, जैसे होता है ना, आंधी आई और सारी डस्ट हमारे सामने आ गई। मैं आप सभी से कहूंगी कि आप अपने हाथों को अपने फेस के सामने रखिए और अब मुझे देखने की कोशिश करिए, क्या मैं साफ दिखाई दे रही हूं? चैट बॉक्स में यस और नो लिखें। और अगर अब हटाया हमने नहीं और हटाया तो अब साफ दिख रही हूं, इसका मतलब क्या है? यानी जब हमारे पास नेगेटिव थॉट्स का अंधकार जमा हो जाता है, जब हमारे पास मिथ्या दृष्टि सामने आती है, फॉल्स अपीयरेंस आता है, तो हमें कुछ साफ दिखाई नहीं देता और हम गलत डिसीजन लेते हैं। तो उस मिथ्या को दूर करना है। मिथ्या क्या है? आप जो मुझे देख रहे हैं वो इमेज कहां पर है? बाहर इस स्क्रीन पर? क्या आप स्क्रीन पर भारती को देख रहे हैं? यस। कहां पर मेरी इमेज को आप कहां पर देख रहे हैं? अपने मानचित्र के अंदर, अपने अंदर। क्योंकि अब आप आंख बंद करिए और मैं भारती बोलती हूं तो आपको मेरी तस्वीर दिखाई देती है? बाहर इसका मतलब बाहर तो कुछ भी नहीं है, बाहर तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है अंदर है, हमारी अंतरात्मा के अंदर। तो हमें ये जानना है कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे कौन से कर्म करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, हमने क्या किया है, हम क्या सोच रहे हैं, हम किस चीज से डर रहे हैं। जिसने अपने अंदर को जान लिया, जिसने ये समझ लिया मैं कौन हूं, इसका मतलब उसने अपने आप को पहचान लिया। कि नमोकार का महत्व किसी एक क्षेत्र में नहीं है या कोरोना से लड़ाई में नहीं है। चाहे आप फिजिकली प्रॉब्लम में हैं, चाहे आप मेंटली प्रॉब्लम में हैं, चाहे आप इमोशनली प्रॉब्लम में हैं, चाहे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे ऐसी कोई प्रॉब्लम है, या चाहे आप आध्यात्मिक दृष्टि से थोड़े से लूज हो गए हैं, वजह चाहे कोई भी हो, नमोकार एक ऐसा मंत्र है जो आपकी इन पांचों शक्तियों पर काम करता है और आपको उभार कर बाहर ले आता है। फिर हमारे चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बनता है जिसे ना कोई भेद पाता है। तो इसी नमोकार मंत्र को आज आत्मसार करना है। मैं चाहूंगी आपकी जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम है, आज अपनी उस प्रॉब्लम को ये मानकर चलें कि आज इस सेशन के अंदर मुझे अपनी वो प्रॉब्लम को रिलीज करना है, उसको यहीं छोड़कर फिर घर जाना है खुशी खुशी हंसते हुए चेहरे के साथ, एक सेटिस्फेक्शन के साथ कि हाँ मैं अपने आप को जान चुकी हूँ और इस जीवन से संतुष्ट हूँ।